हेलो एवरीवन, आज हम लोग 2 मार्च 2021 के NTPC के क्वेश्चंस को जो हमारे पास आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन आपका हुआ था 1923 में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपका हो गया आर्टिकल 40 के अंतर्गत। उसके बाद हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, हो गया भारत का पहला जल विद्युत प्लांट कहाँ है? तो आपका हो गया कर्नाटक में। फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका, जी का मान शून्य होता है, जी का मान होता है शून्य आपका विषुवत रेखा पर, ये आपका विषुवत रेखा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूछा था, तो इसका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में आपका दो आएगा, टिस्टा आएगा और लोहित आएगा। आपका जो वहाँ पर ऑप्शन होगा वो आप इसमें से मार सकते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी हो जाएगी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी आपकी हो जाएगी यूपी से है, सुचेता कृपलानी यूपी से रही हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा था आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाएगा आपका 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। अगर प्रथम युद्ध पूछेगा वही, तो आपका वो हो जाएगा 1526 में हुआ था आपका प्रथम युद्ध। सेकेंड युद्ध पूछेगा 1556 में हुआ था। थर्ड युद्ध इसमें पूछा हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ICC वर्ल्ड कप 2019 में मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था? तो केन विलियम्सन को मिला था आपका ICC वर्ल्ड कप 2019 का मैन ऑफ द सीरीज। तंत्रिका तंत्र का क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस का मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 8 सितंबर आपका। नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित था? तो यह हो जाएगा पल्लव वंश से संबंधित था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 22 अप्रैल को हो जाएगा। फिर आपका 13वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये तो पाकिस्तान में भी है, तो पाकिस्तान हो जाएगा। गोवा को किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया था? तो हो जाएगा आपका 12वां संविधान संशोधन। फिर 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, तिलहन के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा है? तो आपका हो जाएगा पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ये हमारे पास 15 क्वेश्चन आए हैं जो 2 तारीख के शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अगर 3rd मार्च का क्वेश्चन हमारे पास जैसे ही आता है तो हम 3rd मार्च का क्वेश्चन आपको कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर।